हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीका बता रही हूँ अरबी बनाने का। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स अरबी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं सेम साइज़ में है। तो जब आप भी अरबी खरीदें, ध्यान रखें कि वो सेम साइज़ में हो। फिर हम इसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के टाइम अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे पानी में, तो आपकी अरबी कभी भी ओवर कुक्ड यानी क्रैक नहीं होगी। ध्यान रहे कि अरबी अच्छे से कुक हो गई हो, आप इसको चेक कर लें और इसका छिलका निकाल लें। अब हम अलग से एक बोल लेंगे और उसमें 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे यानी कोरिएंडर पाउडर, और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप इसमें कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, आप जो भी यूज़ करते हो। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 या 3 पीसेस करके अरबी इसमें ऐड करके हम एक पैन रखेंगे गरम होने के लिए, और उस पैन में इसको फ्राई करेंगे। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। चेक कर लें कि आपका पैन अच्छे से गरम हो गया हो। इसमें आप ऑयल से थोड़ी सी ग्रीसिंग कर सकते हैं पहले। ध्यान रहे आपकी गैस मीडियम फ्लेम पे हो। और अब हम इसमें एक एक पीस अच्छे से उसमें बैटर में रोटेट करके इसको हम तवे पे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ही आप पीसेस को रखें। इसी तरह से आप सारी अरबियों को पैन पे सेकने के लिए रख दीजिए। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल वे है। आप इसे एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो, अगर वो आलू नहीं खाते हैं, आप उसकी जगह पे ये बना के उन्हें दे सकते हैं। ये तुरंत बन जाता है, बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है। और आप इसे एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। आफ्टर 2 or 3 मिनट्स हम इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पैन के अगेंस्ट ही प्रेस कर देंगे। हम एक एक करके सारी अरबियों को ही प्रेस करेंगे। अगर कोई भी अरबी प्रेस नहीं हो रही है, आप उसे 1 या 2 मिनट के लिए और रहने दीजिए। फोर्स मत करिएगा क्योंकि आपकी अरबी टूट जाएगी। आप ध्यान रखें जब भी आप ऐसा करें, बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से करें, ताकि ये टिक्की के शेप में हो जाए और ये टूटे ना। इसमें मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला रह गया था, तो मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे, हम इसे दूसरी तरफ से पकाएंगे। आप इस टाइम पे भी इसको हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं। जितना भी सेफली आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, उतना ही ये क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। बट ये ध्यान रखें कि आप इससे तोड़े नहीं, ये टूटना नहीं चाहिए। बहुत ही जेंटली और आराम से करें। उसके बाद हम इसे 5 to 7 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे दूसरे साइड से भी कुक होने देंगे। अगर आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे हर थोड़ी थोड़ी देर में फ्लिप करते रहिए। अब आप इसको जितना भी क्रिस्पी आपको चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इसको आप फ्लिप करके रोस्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि ये जले ना, और फ्लेम आप मीडियम ही रखें।
मैंने इसे 5 to 7 मिनट्स के लिए दूसरे साइड पे रखा था पकने के लिए, तो दूसरे साइड से बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसको अदर साइड फ्लिप कर दूंगी। आप देख सकते हैं जितना भी मसाला पैन में था वो ऑलरेडी अरबी के साथ स्टिक हो चुका है, कुछ भी हमारे पैन में एक्स्ट्रा नहीं बचा है। अब हमारी अरबी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर सब कुछ चेंज हो चुका है। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करें, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आप इसे एक प्लेट में निकाल के अपने अकॉर्डिंग गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी एंड स्टे फिट।